गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था गणराज्य। हम लोगों ने कल जो 10 गणराज्य कहाँ थे, कौन कौन से थे, वर्तमान में किस क्षेत्र में आते हैं, इन 10 गणराज्यों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये जो गणराज्य थे, गणराज्यों का शासन किस तरह से संचालित होता था। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है गणराज्य, गण मतलब लोक, राज्य मतलब राज्य, जहाँ का शासन वहाँ के लोगों द्वारा, वहाँ की जनता द्वारा संचालित होता है उसे गणराज्य कहा जाता है। तो किस तरह से जनता द्वारा ये शासन संचालित होता था, या गणराज्यों की शासन व्यवस्था में जनता अपनी भागीदारी किस तरह से निभाती थी, आज हम इन्हीं गणराज्यों की शासन प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो गणराज्यों की जो शासन प्रणाली थी उसको हम अलग अलग बिंदुओं के हिसाब से पढ़ेंगे ताकि हमें इजी वे में समझ आ जाए। तो देखो, पहले हम पढ़ेंगे कि गणराज्यों का जो शासन था उसका स्वरूप कैसा था, उसका रूप कैसा था। ठीक है, तो गणराज्य, जैसे कि पता चल रहा है कि शासन सत्ता जनता के हाथ में है, तो बात आएगी कि गणराज्यों का स्वरूप। तो गणराज्यों का ये जो शासन व्यवस्था थी, जो सत्ता थी, वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में तो थी नहीं, वो एक व्यक्ति के हाथों में ना होकर संपूर्ण जनता के हाथों में थी, संपूर्ण गण, गण मतलब लोग, संपूर्ण गण के हाथ में थी, इसीलिए तो गणराज्य कहा जाता था। अतः गणराज्यों का स्वरूप कैसा था, गणतांत्रिक, लोगों द्वारा वहां का तंत्र शासन संचालित किया जाता था। मतलब दो तरह की शासन व्यवस्थाएं होती है, एक राजतंत्रात्मक, एक गणतंत्रात्मक। गण में गण का, लोगों का शासन, राजतंत्र में राजा का शासन। ठीक है, तो ये कैसा था, ये गणराज्य था। ठीक है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। अतः जो शासन की सत्ता थी, शक्ति थी, किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं थी, बल्कि वो संपूर्ण व्यक्तियों के, वहां के संपूर्ण जन के हाथों में थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की, जहां से शासन का संचालन होता था। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय शासन, केंद्रीय शासन का जो प्रमुख होता था, जैसे अगर हम वर्तमान में बात करते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक प्रमुख व्यक्ति है, अध्यक्ष है। ठीक है, तो उस समय भी गणराज्यों का एक प्रमुख होता था, एक अध्यक्ष होता था। ठीक है, देखो सारी जनता तो आके शासन चलाएगी नहीं, है ना, गणराज्य से मतलब है कि गण का, जनता का शासन। लेकिन ये तो नहीं कि जनता, सारी जनता खुद ही आ जाएगी शासन चलाने। अगर सारी जनता शासन चलाने आ जाएगी तो क्या होगा, देश में दुराचार फैल जाएगा, दुर्व्यवस्था फैल जाएगी। अतः जनता अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे वर्तमान में हम क्या है, शासन तो हमारा क्या है, गणतंत्रात्मक है। और कैसा गणतंत्र है, अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब शासन तो हम कर रहे हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब अपने द्वारा किसी व्यक्ति को चुनकर भेजते हैं कि हमारी तरफ से ये कार्य करेगा, ये शासन का संचालन करेगा। तो उस समय भी क्या था, अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा शासन किया जाता था, मतलब जनता द्वारा एक अध्यक्ष चुना जाता था, जो गण का अध्यक्ष होता था, जिसे गणपति या राजा कहलाता था। ठीक है, और ये व्यक्ति क्या होता था, जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता था। इसलिए तो जनता का शासन हो गया और अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। ठीक है, तो ये बात आई केंद्रीय शासन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं संस्थागार, मतलब व्यवस्थापिका, कानून कैसे बनते थे। निर्वाचित जो व्यक्ति है, जनता द्वारा चुना हुआ, वो अकेला तो शासन कर नहीं सकता, अगर वो अकेला शासन करता तो फिर अव्यवस्था फैल जाती। तो कैसे वो कानून बनाता था और कौन कौन व्यक्ति उसका सहयोग करते थे, तो देखते हैं। संस्थागार, जिसको व्यवस्थापिका सभा भी कहा जाता है, ठीक है, ये गणराज्यों की सबसे बड़ी प्रतिनिधि सभा थी। गणराज्यों की सबसे बड़ी प्रतिनिधि सभा को संस्थागार या व्यवस्थापिका सभा
कहा जाता था, ठीक है। और इस संस्थागार में क्या होते थे, कुलीन परिवार होते थे या अन्य व्यापारिक श्रेणी के जो सदस्य होते थे या प्रतिनिधि होते थे, वो इस संस्थागार के सदस्य होते थे। तो संस्थागार की अगर बात आती है तो संस्थागार में प्राचीन कुलीन परिवार, कुलीन मतलब जो शाही खेमे से बिलोंग करते थे, ठीक है, या अन्य व्यापारी श्रेणी के प्रतिनिधि इसी संस्थागार के सदस्य होते थे, ठीक है। ये दो संस्थागार हो गए, संस्था कैसे बनती थी या व्यवस्थापिका कैसे बनती थी, ठीक है। अब इस व्यवस्थापिका को क्या क्या कार्य सौंपे गए थे, ठीक है, तो व्यवस्थापिका के कार्य क्या थे और इसकी कार्य पद्धति क्या थी, कैसे ये व्यवस्थापिका कार्य करती थी, ठीक है। तो प्रशासन के सभी अधिकार, शासन को चलाने के जितने भी अधिकार थे सारे इसी संस्था के पास थे, ठीक है। प्रशासन को चलाने के जितने भी कार्य थे वो इसी संस्था के पास थे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, देखो अकेला जनता द्वारा वो जो निर्वाचित व्यक्ति है वो तो शासन चलाएगा नहीं, उसकी सहायता के लिए क्या होते थे, बड़े बड़े अधिकारी होते थे, जैसे प्रधान है, राष्ट्रपति है, सेनापति है, विभिन्न मंत्री है, विभिन्न अधिकारी है, ठीक है। ये सारे शासन कार्य में भागीदारी निभाते थे और ये जो शासन कार्य में भागीदारी निभाने वाले ये जो अधिकारी, सेनापति, मंत्री गण, ये लोग थे, ये इनका जो चुनाव है या इनकी जो नियुक्ति है वो इसी व्यवस्थापिका द्वारा ही की जाती थी। मतलब शासन का संचालन करने के लिए जिन जिन व्यक्तियों का सहयोग रहता था उन व्यक्तियों को ये व्यवस्थापिका ही चुनती थी। और इस व्यवस्थापिका का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसको जनता चुनती थी। अभी बताया ना कि निर्वाचित व्यक्ति होता था जो सभा का प्रधान होता था और जो जनता द्वारा चुना जाता था, और आगे ये प्रधान व्यक्ति व्यवस्थापिका का भी प्रधान है, आगे इन अधिकारियों की भी नियुक्ति करेगा, तो वो अधिकारी भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही हो गए, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो संस्थागार थी इसका अधिवेशन कैसे होता था, कोई भी काम करना है तो कैसे ये लोग अपना कार्य करते थे, तो इसका जो अधिवेशन होता था, अधिवेशन समय समय पर बुलाए जाते थे और कई बार आपातकालीन अधिवेशन भी बुला लिए जाते थे। तो इन अधिवेशनों के समय क्या होता था कि राजा जो अध्यक्ष कह लें, अध्यक्ष की उपस्थिति जरूरी थी, ठीक है। और अध्यक्ष की उपस्थिति ये सारे मंत्री लोग आकर बैठते थे, विचार विमर्श होता था, ठीक है, उसके बाद बहुमत से निर्णय लिया जाता था। जब ये सब व्यक्ति इकट्ठे होते थे किसी मुद्दे पर बात होती थी, अगर किसी मुद्दे को लेकर दो पक्ष बन जाते थे तो वो क्या करवाई जाती थी, पोलिंग करवाई जाती थी, बहुमत से निर्णय लिया जाता था। जैसे कोई बात है कि शत्रु देश पर आक्रमण करना है या पड़ोसी पर आक्रमण करना है या नहीं, कुछ व्यक्तियों ने कह दिया कि करना चाहिए, कुछ ने कहा कि नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जब विवाद हो जाता था तो बहुमत के आधार पर, बहुमत मतलब ज्यादा मत, जिस मत जिस तरफ ज्यादा मत आते थे हाँ या ना की तरफ, फिर वही निर्णय स्वीकार्य होता था। अतः संस्थागार के अधिवेशन में राजा की उपस्थिति एक तो जरूरी थी, उसकी उपस्थिति में अधिवेशन होता था और जो निर्णय है वो इसी बहुमत के द्वारा ही लिए जाते थे, ठीक है। आगे का जो है शासन उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।